बच्चू बाबू ने कहा है कि हम एक पुलिस आमदार नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। जरूर चाहिए, जैसे शिक्षक मतदार संघ का आमदार है, क्रीडा मतदार संघ का आमदार है, पदवीधर मतदार संघ। कभी कभी 24 घंटे उनको काम करना पड़ता, सबसे ज्यादा टेंशन भी होता है, ऐसा नहीं है सभी पुलिस बेकार है, लेकिन जो अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करते हैं तो बदलाव ज्यादा हुए, लेकिन ईमानदार जो है उनका नाम ही सामने नहीं। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री पर दोनों थे तब पुलिस विभाग के मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होना जरूरी था, मगर उनके कार्यकाल में पुलिस वालों के कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, ना ही 8 घंटा ड्यूटी हुई, ना ही मसूल के कर्मचारी। महाराष्ट्र में अपने विधानसभा में पहले आमदार है जो बच्चू भाव ने मुद्दा उठाया है, जबकि वो कोई बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमते, किसी पुलिस वाले को साथ में नहीं रखते, बाकी के आमदार। दीवारों की शक्ति डीके वॉल पुट्टी, दो बोरी के बदले एक बोरी में काम, यही है डीके वॉल पुट्टी की पहचान। डीके वॉल पुट्टी करता है डबल कवरेज का वादा। डी कुमार केमिकल्स 91/B इंडस्ट्रियल एरिया वाजरा लेआउट पीली नदी कामठी रोड नागपुर 4400026 महाराष्ट्र कॉल 9373102090। पुलिस कर्मियों के लिए जो हमने अभी ठहराव लिया था कि भाई पुलिसों के लिए एक आमदार होना जरूरी है, जैसे पदवीधर के लिए होते हैं, जो एजुकेशन यानी शिक्षकों के लिए होते हैं, पुलिस को यहाँ पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्य में उसका संगठन बनाना, उनको कायदेसर उनको बना सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं बना सकते, तो उनकी भी कुछ रहती है, उनकी भी कुछ तकलीफ होती है, तो उसको लेकर हम मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन ये अभी के 5 दिन के अधिवेशन में ठहराव और लक्ष्य वेदी तारांकित ये कुछ लिया नहीं गया, अगले अधिवेशन में जरूर, क्योंकि पुलिस और हमारा ज़्यादा संघर्ष रहा, और पुलिस जितना संघर्ष ज़्यादा रहा वो उनके लिए नहीं रहा, वो तो सरकार की तरफ से खड़ी रहती थी, लेकिन तकलीफ तो सरकार की थी, लेकिन बीच में पुलिस आती थी, तो मुझे ये लगता है कि इस कर्मियों की जो भी तकरार, क्योंकि उनका संगठन नहीं है, तो उनके लिए एक आमदार का एक आमदार पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस में से होना चाहिए, ऐसा ठहराव मैं अगले विधानसभा में आने वाला हूँ। बच्चू भाऊ लड़ेंगे अब पुलिस की, पुलिस के लिए, और जो पुलिसों की मांग है उनका एक विभाग अलग से होना चाहिए, वो 24 घंटे काम करते हैं, और उनके लिए जो मांगे रहती हैं वो मांगे पूर्ण करने के लिए अब आगे आए हैं अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के आमदार बच्चू भाऊ कड़ू। देखते हैं आगे की रिपोर्ट TNN 24 News पर, रियाज शेख के साथ। TNN 24 News में फिर एक बार आपका स्वागत है। कि लोग, आपने देखा होगा कि लोग अपने लिए ज़रूर लड़ते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, अपनी मांगों को लेकर पूर्ण करने के लिए आंदोलन और बहुत सारी चीज़ें करते हैं सरकार को मनाने के लिए, लेकिन एक ऐसा शख्स मेरे साथ है जो पुलिस मित्र के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है, पुलिस की समस्याओं को वो शासन और प्रशासन के सामने लाकर रखता है। मैं समझता हूँ कि आप उनका नाम लेने से पहले जान गए होंगे कि वो शख्स कौन होगा। जी हाँ, वो मेरे साथ है नीलेश नागोलकर, जो ये नाम पुलिस विभाग में काफ़ी आसानी से और इज्जत के साथ लिया जाता है। तो आइए हम नीलेश नागोलकर जी से बात करते हैं कि पुलिस मित्र होने के नाते आप क्या उनकी भूमिकाएं निभाते हैं। नीलेश नागोलकर जी, TNN 24 News में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि आप ये बताइए कि पिछली सरकार और इस सरकार में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? पिछले सरकार में और ये सरकार में अंतर अभी तय करना बाकी है, मगर पिछले सरकार का अनुभव ऐसा रहा है कि माननीय गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री भी थे और गृहमंत्री भी थे, और जब वो आमदार थे तब से मैं उनके पास में पुलिस के विषय पर सवाल से सवाल लेके जा रहा हूँ, मगर जब आमदार थे तब कई बार उन्होंने विधान भवन में, विधानसभा में पुलिस के फेवर में क्वेश्चन मार्क लगाया, लक्ष्य विधि लगाई, मगर वो जब गृहमंत्री बने और जब उनकी श्रेणी का पगार हुआ, ना ही पुलिसों के साप्ताहिक विषय सॉल्व हुआ, ना ही पुलिस वालों को 8 घंटे के ऊपर मिलने वाले कोई भत्ते, कोई लाभ या ओवर टाइम का कोई फायदा हुआ, मात्र पुलिस क्वार्टर के मुद्दे पर उन्होंने काम किया जो ज़रूरी था, मगर आज भी कई पुलिस वालों को DG ऑफिस से लोन मिलने में दिक्कत होती है, उनको पर्सनल लोन मिलने में दिक्कत होती है। इस बारे में मैं उनसे बहुत खपा हूँ, क्योंकि मैंने 4 साल उनका कंटिन्यू फॉलोअप किया, मैंने 4 मोर्चे विधान भवन पे लिए, मगर एक भी मोर्चा में उन्होंने विजिट नहीं किया। माननीय रंजीत पाटिल साहब हमको मिले यहाँ पर, मगर उन्होंने भी थातुरमातुर उत्तर दिए, एक समाधानकर उत्तर हमको आज तक मिला नहीं। अब ये नई सरकार उद्धव सरकार बैठी है, माननीय एकनाथ शिंदे साहब से मैं परसों के दिन ही मिला, उन्होंने बोला कि अगर मैं गृहमंत्री कंटिन्यू रहा तो मैं इस विषय पर जरूर काम करना चाहूँगा, आपके जैसे अनुभवी लोग हमारे साथ में चाहिए। मुझे उद्धव सरकार से, गृहमंत्री शिवसेना का हो चाहे कोई भी हो, मगर पुलिसों के मुद्दे पर मुझे काम करना है और उनके लिए मुझे रिजल्ट चाहिए।
जो संघ का आमदार है, वैसे पुलिसों की आवाज़ उठाने के लिए भी पुलिस प्रतिनिधि होना जरूरी है। जब तक पुलिस प्रतिनिधि नहीं होगा, जो आमदार नहीं होगा, तो उनका आवाज़ हमेशा दबा जाएगा। आज पुलिसों को दमन तंत्र के अंडर में रह के काम करना पड़ता है। इसी पुलिस वालों के बिस्तर पर पूरी महाराज्य राज्य की सुरक्षा है। यहाँ पे जो बंदोबस्त चल रहा है, जो मोर्चे होते हैं, आंदोलन होते हैं, ये पुलिसों के बगैर नहीं हो सकते। पुलिसों के बगैर ये मंत्री एक मिनट भी रास्ते पर खड़ा नहीं हो सकता है। अगर वो खड़ा रहेगा तो जनता उनको लूट खचोट डालेगी। आज पुलिसों के बगैर कोई भी आंदोलन, मोर्चा या ऐसे विधान भवन में कोई भी कार्यक्रम लेना असंभव नहीं है। और उन्हीं पुलिस वालों को, रक्षकों को ही तकलीफ दी जा रही है। उनका ही कोई यूनियन नहीं होने की वजह से उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। 4 साल गृहमंत्री रहने के बावजूद भी एक साल भी लक्ष्यवेदी नहीं लगा पुलिस का, ये हमारे लिए बहुत दुर्दैवी बात है। सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी कई वर्षों से आप पुलिस की मदद कर रहे हैं, आपको पुलिस मित्र के नाम से जाना जाता है, और आपने पुलिसों के लिए अभी तक क्या क्या किया है? मैंने पुलिसों के 8 टास्क की ड्यूटी की मांग की है, महसूल की श्रेणी की मांग की है, मगर ये दोनों विषय अभी पेंडिंग है, क्योंकि महाराष्ट्र की लोकसंख्या 11.5 करोड़ है, और 11.5 करोड़ लोकसंख्या संभालने के लिए कम से कम 1% लोग, यानी 8 से 12 लाख लोग इस 8 घंटे की ड्यूटी अगर करना है तो होना है। आज महाराष्ट्र में 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी पॉसिबल नहीं है। जब तक ये मेगा भर्ती करते नहीं, और मेगा भर्ती कम से कम 2.5 लाख लोगों की मेगा भर्ती होना, तब 8 घंटे की ड्यूटी हो सकती है। दूसरी बात है महसूल की श्रेणी, महसूल और पुलिस विभाग एक रैंक है, मगर दोनों के वेतन श्रेणी में बहुत ज़्यादा तफावत है। ये तफावत दूर करना पहली ज़रूरत की बात है। पुलिस वाले 12 घंटे ड्यूटी करने के लिए तैयार है, मगर 8 घंटा ड्यूटी और उसके बाद ओवर टाइम, ये देना उनको ज़रूरी है। 8 घंटा ड्यूटी और ओवर टाइम, जैसे कि मैं एक बात बताता चलो आपको कि जैसे सरहद पर हमारे जवान हमारी मदद करते हैं, हमारे जवान हमारे सरहद पर हमारी हिफाजत करते हैं, वैसा ही एक सिपाही पुलिस का शहर की देखरेख कर हमारी सुरक्षा के लिए रात में भी जागते हैं, लेकिन उनका देखने वाला कोई नहीं। बच्चू बहु कड़ू पहले आमदार हो गए जो पुलिस वालों के लिए एक अलग से विभाग बनाना चाहते हैं उनकी समस्याओं को लेकर। पुलिस सबकी समस्या समझ सकती है, लेकिन पुलिसों की समस्या का समझने वाला कोई नहीं। ऐसे हाल में अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के आमदार बच्चू बहु कड़ू सामने आए हैं पुलिसों की मदद करने के लिए। तो आइए हमारे साथ में बच्चू बहु कड़ू की क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से वो इस विभाग को जो है वो बनाना चाहते हैं, पुलिस आमदार बनाना चाहते हैं, किस तरीके से बनाना चाहते हैं? देखिए, क्या है कि पुलिस दिन रात मेहनत करती है, ड्यूटी करती है, और जिस हिसाब से उनका काम है उन हिसाब से उनको कोई सुविधा नहीं है। और ये दो दो गन वाले बाकी के भी उनके साथ और रहते हैं, सारी सुविधा रहती है बॉडीगार्ड के, लेकिन भाव ने कभी अपने पुलिस वाले को साथ में नहीं रखा। फिर भी उन्होंने जिस तरह से पुलिस वालों की बातें ध्यान में लेकर ये सब मुद्दा उठाने वाले हैं, या अभी नहीं लगा तो अगले अधिवेशन में लगेगा या अगले टाइम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चू बहु ने उसकी पहल कर दी है। पहल कर दी तो उन्होंने भी जरूरी है क्योंकि कोई उनकी आवाज़ नहीं आती। जैसे IPS लॉबी है, उनकी यूनियन है, बाकी पुलिस वाले के कोई यूनियन नहीं है ना, कोई वो जाएंगे किसके पास जाएंगे? अधिकारी भी कोई उनके ऊपर मतलब एक्शन नहीं ले, उनके ऊपर उनके खिलाफ उल्टा तकरार देने जाएंगे ना, वीकली ऑफ नहीं मिलती। बहुत से ऐसे अपनी जो जेल है महाराष्ट्र की, वहाँ पे जो पुलिसकर्मी है, जो जेल की सिक्योरिटी है, उनको वीकली ऑफ तक नहीं मिलती है। बहुत से सारे SMS आए जो रिटायर हो गए हैं, ऑफिसर अधीक्षक है, उनको पुस्तक नहीं मिलती है, या बहुत से अपना कोई भी कारण हो उनकी पेंशन रुकाया जाता है, ये पूरा करो वो पूरा करो, बहुत सी पुलिस की समस्या पुलिस वालों की। इसीलिए आमदार बच्चू बहु कड़ू ने ये प्रस्ताव रखने वाले कि पुलिस वाले का आवाज़ उठाने के लिए एक विधानसभा में आमदार होना चाहिए। और दूसरी बात, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे साहब इसमें ज़रूर दखल लेंगे। तो महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे भारत के मैं समझता हूँ कि पहले आमदार होंगे बच्चू बहु कड़ू जो पुलिस के लिए एक आमदार की मांग कर रहे हैं सरकार से। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़।